फ्रेंड्स, मैं हूं मयूरी। स्वागत है आपका विदेश यात्रा चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनाडा के इंटेक के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अब तीनों इंटेक के बारे में। जब कनाडा के लिए आप अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे पहली इंटेक है फॉल इंटेक, जो सितंबर में स्टार्ट होती है। इसको प्राइमरी इंटेक बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफर ऑल द कोर्सेज टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। सेकेंड वन है विंटर इंटेक, जो जनवरी में आती है और ओपन होती है। सेकेंडरी इंटेक उसको बोलते हैं। और अ लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट, बट ये इनके लिए होता है जो सितंबर की इंटेक को मिस कर देते हैं, तो इनके लिए ये सेकेंडरी इंटेक होती है कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। और लास्ट होती है स्प्रिंग इंटेक, जो कि वो मई में आती है। ओनली फॉर फ्यू कोर्सेज अवेलेबल होते हैं इसमें, नॉट फॉर ऑल यूनिवर्सिटी ऑफर द कोर्सेज इन स्प्रिंग इंटेक। तो ये तीनों इंटेक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बता दिया। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं हर एक इंटेक में कौन सी टाइप से आप अप्लाई कर सकते हो, क्या उसके अंदर डिटेलिंग होती है, वो मैं अभी वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सितंबर इंटेक में, जो सितंबर टू दिसंबर के टाइमिंग में 4 महीने का सेमेस्टर रहता है। ये सीजन के अंदर आप जब अप्लाई करते हो तो आपको लार्ज नंबर ऑफ कोर्सेज की अवेलेबिलिटी मिलती है, और कॉलेज सिलेक्शन भी आपको बहुत वाइड एरिया में मिलता है कि आपको जो कॉलेज में आपके बेस्ड ऑन क्राइटेरिया जिस तरह से आपको अप्लाई करना होता है, ये इंटेक आपके लिए बेस्ट होती है। और उसके साथ ये इंटेक का सबसे अच्छा पॉइंट ये होता है कि आप वहाँ पे बिफोर 4 महीने विंटर जा रहे हो, ताकि जो जनवरी की जो विंटर सीजन स्टार्ट होती है उससे पहले आप वहाँ पे ये 4 महीने में सेटल हो जाते हो, ताकि नेक्स्ट सीजन के अंदर आप वहाँ एटमोसफियर के साथ मैच होते हो, तो आपको वहाँ पे जो कोल्ड की प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी यूज्ड टू हो जाती है आपकी बॉडी। तो ये इंटेक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है। और दूसरा कोर्सेज, एज जो मैंने आपको बताया कि कोर्सेज आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो ये पूरा होता है सितंबर इंटेक का बेनिफिट। और आपको सिलेक्ट करने में भी इजी हो जाएगा अगर आपका बैंड कोर बैंड्स जो भी अच्छा आ गया है। तो नेक्स्ट इंटेक आती है आपकी विंटर इंटेक, जो जनवरी से लेके अप्रैल तक में आती है। ये 4 महीने की इंटेक होती है। इसके अंदर आपको कोर्सेज मिल जाते हैं, जिसका सितंबर इंटेक छूट जाता है वो जनवरी में जाते हैं, ताकि उनका जो भी सेमेस्टर होता है या पूरा साल होता है वो बिगड़ता नहीं है। तो ये इंटेक में उनके पास सेकेंड ऑप्शन मिल जाता है जाने के लिए। हाँ, यहाँ पर कॉलेजेस कम हो जाती है और कोर्सेज थोड़े कम हो जाते हैं कंपेरेटिवली सितंबर इंटेक। और उसका दूसरा एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपको वहाँ पे जैसे ही जाते हो वहाँ पे विंटर की ठंडी जो होती है उसका सामना करना पड़ता रहता है। सो ये इंटेक में आप जा रहे हो तो आपको ये दोनों चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी, कोर्सेज की अवेलेबिलिटी, यूनिवर्सिटी की अवेलेबिलिटी, और दूसरा वहाँ का वेदर। उस हिसाब के आपकी बॉडी को भी मैच होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये होता है जनवरी इंटेक में जाने के लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। तो लास्ट वाली है स्प्रिंग इंटेक, जो आपकी स्टार्ट होती है मई से लेके अगस्त के अंदर। ये इंटेक में आपके पास यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेस बहुत कम हो जाते हैं कंपेयर टू प्रीवियस दो इंटेक के। और यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी समर वैकेशन के लिए पूरे जो भी उनकी कंट्रीज होती है वहाँ पे जाते हैं, तो ये इंटेक सबसे लास्ट ऑप्शन रहता है। बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट आपके पास से जो भी ऑप्शंस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, और स्टूडेंट और कॉलेज में एंट्रीज भी बहुत कम मिल जाती है आपको। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस टू इंटेक। तो आपको अगर जाना है और इंटेक सिलेक्ट करनी है तो आप सितंबर या फिर जनवरी इंटेक में जाओगे तो आपको वहाँ का वेदर और आपके कोर्सेज, यूनिवर्सिटी, सारी अवेलेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू दिस इंटेक आपको मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो की डिटेल इंटेक के बारे में कनाडा के लिए। तो हम जल्द ही मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। मैं हूँ मयूरी, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।